हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का चोखा, और वो भी बिहारी स्टाइल में। और आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए बनाते हैं आलू का चोखा। आइए बनाते हैं आलू का चोखा, जो कि आलू का भरता भी बोलते हैं। उन्हें आलू ले लिए हैं, आलू बॉईल करके छील लिए हैं और ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आलू का चोखा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर कोई सब्जी ना हो घर पे तो इसको बना सकते हैं, हम इसको बना के खा सकते हैं। इसको छोटे छोटे पीसों में काटिए। आप भी अपने घर में ट्राई करिएगा। आलू कट चुके हैं, छोटे छोटे पीसों में काटे हैं हमने। इसमें हरी मिर्च काट के रखी थी हमने और धनिया, टमाटर, एक टमाटर काट के रखा था हमने छोटे छोटे पीस में, गरम मसाला, चाट मसाला डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको हम मिला लेंगे। सेब डालेंगे पहले, अब इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। हम सामान को मिला लेंगे इसमें। अच्छी तरीके से मिला लेना है इसको। अब इसमें हम मलाई डालेंगे, थोड़ी सी मलाई डालेंगे इसमें, इसलिए इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा आलू के चोखे का। अब इसको हम मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको। आलू का चोखा बन चुका है अपना। ये देखिए, आलू का चोखा बनके तैयार है। आप भी अपने घर में ट्राई करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।